फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लंबे समय से विराट कोहली मैदानी प्रदर्शन कम मैदान के बाहर चल रही गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कप्तानी विवाद पर तरह तरह की खबरें आती रही हैं। पिछले 3-4 महीनों से कप्तानी विवाद पर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। अब विराट कोहली किसी भी फॉर्मेट में कप्तान नहीं है, इसके बावजूद कप्तानी को लेकर फिर से खबरें निकल कर आ रही हैं। अब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले विराट कोहली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली भड़क गए थे और उन्होंने कोहली को शो कॉज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी तक कर ली थी। जी हां, खबर के मुताबिक सौरभ गांगुली ने शो कॉज नोटिस तैयार कर लिया था और वो उसे विराट कोहली को भेजने वाले थे। इस मुद्दे पर सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई के दूसरे सदस्यों से भी चर्चा की थी, मगर बोर्ड सचिव जय शाह ने गांगुली को ऐसा करने से रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई के आधे से ज्यादा पदाधिकारी विराट को नोटिस भेजे जाने के पक्ष में थे, लेकिन एक तबका ऐसा करने के खिलाफ था। नोटिस का विरोध करने वालों में सचिव जय शाह भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि जय शाह ने गांगुली से बात की और इसके बाद नोटिस नहीं भेजने का फैसला किया गया। सौरभ गांगुली ने कहा था कि सितंबर में रोहित शर्मा, चेतन शर्मा सहित सभी सिलेक्टर्स और कुछ अन्य बोर्ड ऑफिशियल्स की मौजूदगी में विराट को T20 की कप्तानी न छोड़ने को कहा गया था। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी, लेकिन विराट नहीं माने। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जब विराट ने मीडिया में जाकर गांगुली के दावे को गलत करार दे दिया तो मामला बिगड़ गया। गांगुली फड़क गए और विराट को शो कॉज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस भेजने वाले थे। खबरों की माने तो नोटिस का मामला साउथ अफ्रीका दौरे से ठीक पहले का है। बोर्ड ने तय किया था कि रोहित शर्मा वनडे और T20 फॉर्मेट में टीम के कप्तान होंगे और विराट टेस्ट की कमान संभालते रहेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हार के बाद उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ने का फैसला कर लिया। बीसीसीआई उनके इस्तीफे को मंजूर कर चुका है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा देने का मन बनाया तो उन्होंने जय शाह को ही फोन कर इसकी सूचना दी थी। उन्होंने सौरभ गांगुली से बात नहीं की। माना जा रहा है कि विराट और गांगुली के बीच बातचीत बंद है। हालांकि नियम के तहत कप्तान को ऐसे किसी डेवलपमेंट की सूचना सचिव को ही देनी होती है। आदर्श स्थितियों में उसे चीफ सिलेक्टर से भी बात करनी चाहिए, लेकिन विराट ने चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा से कथित तौर पर बात नहीं की है। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है, कौन सही है, कौन गलत है, इस सब से परे एक चीज तो साफ है कि इस आपसी फूट का खामियाजा भारतीय टीम भुगतते हुए नजर आ रही है। वर्ल्ड कप के दौरान भी टीम में कुछ ठीक नहीं दिख रहा था और प्रदर्शन सबके सामने है। विराट की अगुवाई वाली भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का दावेदार माना जा रहा था। साउथ अफ्रीकी टीम युवा थी और उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया यहां भी अपना राज कायम करेगी, लेकिन कप्तानी विवाद के बीच भारतीय टीम सिर्फ सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में ही जीत हासिल कर पाई। अगले दो टेस्ट में मेजबान टीम ने लगभग एक तरफा तरीके से भारत को हराया। टेस्ट सीरीज के बाद पहले वनडे में भी भारत को हार का सामना करना पड़ गया। न्यूज़ तक ब्यूरो।